हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत मोनिक एंड वेलकम टू अदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेड क्यूरियस मोनिक। सो गाइस, पहले ही बताना चाहता हूँ, दो तीन दिन पहले रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर नीट 2020 ये स्टार्ट हो गया है। एंड ऑब्वियसली गाइस, आज से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। हमारे काउंसलिंग सर्विस में जो लोग एनरोल हो चुके थे, उन लोगों को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कि चॉइस फिलिंग कैसे होना चाहिए। एंड जिस स्टेट में आप लोग जाना चाहते हो, उस स्टेट का चॉइस फिलिंग और मेडिकल कॉलेजेस का चॉइसेस कैसे होना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन आवर काउंसलिंग सर्विस, तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हम लोग सिर्फ 299 रुपीस में हमारा ये काउंसलिंग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम लोग एंटायर नीट रिलेटेड गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकें इन ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक में आते हैं। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है, दैट इज द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में इन वीडियोस में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसा होना चाहिए ये आपको बताना बहुत जरूरी है। दो तीन दिन से कोई वीडियो नहीं आया था, दैट्स Why I am really sorry to all of you guys, क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। एंड गाइज, अगेन आई एम स्पीकिंग सॉरी टू यू, क्योंकि दो तीन दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। एंड अगर आप लोग ऑल इंडिया का कट ऑफ किया जाना चाहिए और स्टेट का कट ऑफ किया जाना चाहिए, इन सब वीडियोज को देखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग हमें इंस्टा पे, आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे दिया हुआ लिंक पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो एंड वहां पर आपका जो क्वेरी है वो हमें भेज सकते हो। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे भी कुछ फैक्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे, जिन फैक्टर्स के ऊपर बेस करके हम लोग जनरली कोई कॉलेज को चॉइस करते हैं, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा कॉलेजेस को हम लोग चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दोज फैक्टर्स। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग तो ऑलरेडी आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, फीस पेमेंट भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी लोगों को बताना है और जानना है, दैट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट में आपको 5-10 जो रुपीज है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको 2 लाख रुपीज पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड अगर आपका वहां पर नहीं होता है और कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप लोग राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो एंटायर पेमेंट है वो क्या होगा, वो रिफंड हो जाएगा, जैसे हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में देख सकते हैं इन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना जरूरी था जो आप लोगों ने जान लिया, कि रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लगभग 2 लाख इन रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, इसके बाद आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हो, कि कौन सा कॉलेज बेटर होगा, एम्स अच्छा होगा और बीएचयू अच्छा होगा और एएमयू अच्छा होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा होगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज और एम्स कॉलेज अच्छा होगा एंड इनका क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए। तो हम लोग उसको लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपका रैंक ऑल इंडिया में, अगर आपका रैंक ऑल इंडिया कोटा में और ऑल इंडिया रैंक आपका लेस देन 2000 है इन जनरल कैटेगरी, तो ऑब्वियसली आपको मैं कहूंगा कि आप लोगों को एम्स में जाना चाहिए और आप लोग चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर एम्स रखोगे। एंड एम्स यहाँ पर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि भैया एम्स अच्छा है और मेम्स भी अच्छा है, कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि मैम्स ही अच्छा है और एम्स अच्छा है भैया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज एंड इवन दिल्ली का जो डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, दोज आर मच मोर बेटर देन एम्स। लेकिन यहाँ पर मैं एम्स जो बता रहा हूँ, ये ओल्ड एम्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं न्यू एम्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इफ यू आर सेइंग कि मैम्स ही ले और भैया हम लोग दिल्ली एम्स ले, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर यू एंड आई विल सजेस्ट यू और आई विल मस्ट सजेस्ट यू कि हाँ दिल्ली एम्स ले लो भाई। तो यहाँ पर एक चीज जो आपका डिफरेंट क्वेरी है कि आप का जो क्वेश्चन है कि भैया कौन सा ले, एम्स ले और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले, तो दिस डिपेंड्स टोटली ऑन यू। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एम्स का डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, यहां पर इलेबोरेटेड वे में मैंने बता दिया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एम्स में डिफरेंस क्या है। लेकिन मेरी मानो तो ऑब्वियसली आपके जगह अगर मैं होता, तो ऑब्वियसली आई विल चूज एम्स। वो न्यू होता, ओल्ड होता, दैट डजंट मैटर। अगर वो एम्स होता तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर दैट, क्योंकि एम्स का एक सेपरेट ब्रांड होता है, एम्स एक टैगमार्क है,
जो मतलब जिसके लिए मैं क्रेव कर सकता था उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि मेरा मानना है कि एम्स दैट इज मच मोर बेटर, लेकिन इफ यू वांट टू एडमिट इन मैमसी और डिफरेंट जो कॉलेजेस है जैसे LHMC, BHU, AMU, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड यहाँ पर आपको BHU, AMU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये सब भी आप लोग रख सकते हो, एंड आपके वाइज आप लोग रख सकते हो। पहले एम्स रखने के बाद ये कॉलेजेस आपने रख दिया। एंड यहाँ पर और एक कॉलेजेस हमने जो मिस कर दिया, दैट इज अ जिपमर। जिपमर इज ऑलवेज ए प्रेस्टिजियस कॉलेज जो आप लोग यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एम्स के बाद हो गया ये सब कॉलेजेस। इन सब कॉलेजेस के बाद आप लोगों को अगर रखना है तो यू कैन गो फॉर इट मैमसी और LHMC, जैसे लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, मैमसी, मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज, ये जो रेपुटेड कॉलेजेस है यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। एंड जो क्वेरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैमसी और एम्स, ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप कौन सा रखना चाहते हो। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि भैया स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आगे रखे और एम्स जो न्यू एम्स है वो आगे रखें। तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, ये भी आपके डिसीजन के ऊपर है, क्योंकि कोई भी एम्स बुरा नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुरा नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग मुझसे ये पूछोगे कि भैया स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले ले और हम लोग न्यू एम्स को ले ले, तो ये भी आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यू एम्स का भी एक ब्रांड वैल्यू है एंड टैगमार्क है। एंड ऑब्वियसली आई विल प्रेफर यू कि आप लोग अगर न्यू एम्स भी मिलता है आपको तो गो फॉर इट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने से ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा आपको न्यू एम्स लेना। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि न्यू एम्स ले और मैम्सी ले, तो ऑब्वियसली I must suggest you कि आप लोगों को मैम्सी और मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज ही लेना चाहिए। अब आप लोग ये मुझसे पूछोगे कि भैया ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस आगे रखें और न्यू मेडिकल कॉलेजेस आगे रखें, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर यू कि ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस आपको ऊपर में रखना होगा एंड न्यू मेडिकल कॉलेजेस आप थोड़ा सा नीचे रखो। लेकिन अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस आपके घर से सामने एंड आपके लिए वो अच्छा खास एंड आपके लिए वो सूट हो एंड आप लोग घर में रहना चाहते हो एंड, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर यू कि न्यू मेडिकल कॉलेज और घर के सामने जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया। उसके बाद अगर आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है उनके बाद आप लोग रख सकते हो। ऐसा कभी मत करना कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के जगह और आपने BHU और जिपमर के बाद मैमसी के जगह दे दिया, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा लो ही जाता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैमसी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिपमर, एम्स, इन सब कॉलेजेस से तो बहुत कम ही जाता है। तो अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर डीम्ड को प्लेस कर देते हो तो ऑब्वियसली डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड आप लोग राउंड वन में जो कॉलेज मिलता है आप लोग अगर लेना चाहते हो तो वही लेना पड़ेगा, और अदरवाइज यू हैव टू स्किप, वो आपको स्किप करना होगा उस पर्टिकुलर डीम्ड कॉलेज को, ठीक है। ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अब आते हैं हम लोग की स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे मैं एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूं KPC, IQCT, ठीक है, ये सब कॉलेजेस हम लोग कहां पर रखें। लेकिन भाई लोग यहां पर एक चीज मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूं, दीज आर द स्टेट कॉलेजेस, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, तो ऑब्वियसली ये ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के अंडर नहीं आता है। तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में डोंट चॉइस दिस कॉलेजेस एंड आपको ये कॉलेजेस ऑप्शंस में भी नहीं मिलेंगे, तो ढूंढना भी मत, ढूंढना भी बकवासी का एक काम होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। एंड इन सब कॉलेजेस के बाद आई विल हाईली रिकमेंड यू कि डीम्ड कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, सब हो गया, उसके बाद अगर आप लोग BDS में जाना चाहते हो तो BDS, उसके बाद आप लोग BDS जो ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को, तो यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी होना चाहिए MBBS गवर्नमेंट, ठीक है, MBBS गवर्नमेंट के बाद MBBS प्राइवेट, BDS गवर्नमेंट, BDS प्राइवेट। यहाँ पर अगर आप लोग ये कर देते हो कि BDS प्राइवेट को MBBS प्राइवेट के आगे दे देते हो तो आपका MBBS प्राइवेट वहां पर ही नहीं होगा, क्योंकि MBBS प्राइवेट का जो कट ऑफ जाता है उससे BDS प्राइवेट का जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ही कम जा सकता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ, पिछले बार एक काउंसलिंग सर्विस में आने के बाद भी एक लड़की ये गलती कर दिया था, इसलिए फर्स्ट राउंड में उसका BDS कॉलेज हुआ था लेकिन उसने नहीं लिया था, राउंड टू में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट MBBS वो ऑप्ट करी थी, ठीक है। तो यहां पर बताना चाहता हूं MBBS, ठीक है, MBBS का कट ऑफ जो जाता है वो BDS से हाई, तो ऑब्वियसली आपको कभी भी MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद BDS गवर्नमेंट को नहीं देना है। और MBBS कॉलेजेस में, जैसे मैं समझ रहा हूं, MBBS कॉलेज 1, 2, 3
एंड इसके बाद आपको BDS 1 नहीं भरना है, BDS 1 नहीं भरना है, क्योंकि MBBS जब आप उसके बाद कोई गवर्नमेंट 4 नंबर कॉलेज को देते हो एंड यहाँ पर आपने BDS दे दिया 1 नंबर कॉलेज को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, आपका BDS ही सिलेक्ट हो जाएगा एंड जो MBBS रहेगा वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए आपको कह रहा हूँ अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हो। वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं ताकि आप लोग काउंसलिंग से कर सको। ये इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्ट्स हो गए जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी था। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर हमें दिमाग में रखना चाहिए, थिंग्स दैट मैटर, जो मैटर करते हैं। पीजी कोटा सीट, मतलब आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहां पर डीएनबी और एमडी और एमएस का सीट है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जनरली न्यू मेडिकल कॉलेजेस में डीएनबी और एमडी एमएस का सीट नहीं होता, लेकिन ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। न्यू मेडिकल कॉलेजेस में जब आप लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाओगे तो ऑब्वियसली डीएनबी एमडी और एमएस सीट वो चले आएंगे, ठीक है, तो वो उतना चिंता की बात नहीं है। इसके बाद आते हैं बॉन्ड। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बॉन्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जहां पर हम लोग इलेबोरेटेड वे में डिस्कस किया था कौन से स्टेट में कौन सा बॉन्ड है, एंड बॉन्ड जनरली होता है 1 साल 2 साल 1 और 2 और 3 इयर्स का, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग वो लिंक देख सकते हो एंड यहाँ पर आप लोग अगर चेक करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग देख पाओगे कि एंटायर इंडिया वाइज कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड और कितने साल का बॉन्ड है, ठीक है, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि MBBS के बाद आप लोगों को कितने साल बॉन्ड देकर वहां पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उस स्टेट में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं होम टाउन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोग अगर खुद के घर के सामने रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली घर के सामने जो मेडिकल कॉलेज है, इवन इफ दैट इज न्यू मेडिकल कॉलेज, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि भैया मेरा घर बाराशात के सामने है तो मैं बाराशात मेडिकल कॉलेज लूँ, डायमंड हर्बल लूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग घर में रहना चाहते हो, इफ यू आर ए लिटिल बिट होमसिक, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट बाराशात मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 2-3 साल के बाद वो बाराशात मेडिकल कॉलेज का भी डेवलपमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट ए मच मोर अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये लेकर इतना चिंता का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस और व्हाई आई चोज न्यू मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आते हैं एक्सपोजर। आपको कोई भी कॉलेज में जाने से पहले ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा पेशेंट का एक्सपोजर कितना होता है और इंटर्नशिप में जब आप लोग जाओगे तो कितना पेशेंट फ्लो उस हॉस्पिटल में हो रहा है। जनरली ESIC जो हॉस्पिटल है वहां पर पेशेंट फ्लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से थोड़ा सा कम है एंड एम्स में भी पेशेंट फ्लो अच्छा खासा ही है, लेकिन एम्स में जो एक अच्छा खासा चीज है कि इंटर्नशिप में वहां पर प्रेशर कम होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मुकाबले, तो इसलिए इंटर्नशिप में जब आप लोग जाते हो तो एम्स में जो आपका वर्कलोड होता है वो थोड़ा सा कम होता है एंड पीजी के टाइम आप लोग ज्यादा फोकस करते हो कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं थिंग्स दैट डजंट मैटर, स्टूडेंट्स एंड कैडावर रेशियो। तो यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, जनरली कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, न्यू मेडिकल कॉलेज में अगर आप लोग जाते हो तो कैडावर बहुत अच्छा मिलता है, जो डेड बॉडी आता है वो फ्रेश आता है, लेकिन धीरे धीरे वो डिटोरेट करता है, फंगस वहां पर लगता है एंड ऑब्वियसली वो भी कैडावर जो होता है वो ब्लैकनिंग हो जाता है कैडावर का मसल्स, जो वो मसल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ब्लैकनिंग और डार्किश कलर ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली कैडावर मोस्ट प्रोबेबली सभी मेडिकल कॉलेजेस में एनफ है, लेकिन इफ यू वांट टू सी द रियल ह्यूमन बॉडी एंड रियल कैडावर तो यू मस्ट हैव टू गो टू द न्यू मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेजेस में न्यू कैडावर्स होते हैं लेकिन ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में कैडावर्स थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा पुराना ही होता है एंड ऑब्वियसली कैडावर इज टू स्टूडेंट रेशियो, जो भी हो आप लोग एनाटॉमी 1 साल ही पढ़ोगे एंड ऑब्वियसली उस टाइम के अंदर आप सभी लोग समझ जाओगे कि क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड जो थिंग मैटर करेगा कि कैंपस आपका जितना भी बड़ा हो आप रूम पे ही रहोगे, हॉस्टल में, क्लासेस में जाओगे, लाइब्रेरी में रहोगे एंड छोटा सा एक वर्ल्ड ही आप लोग क्रिएट कर लोगे। इतना बड़ा कैंपस देखकर कैंपस टूर कर कुछ फायदा नहीं है। हाँ, कैंपस एक स्टेटस के हिसाब से ठीक है, लेकिन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर पर्सनल पर्पस, कैंपस इज नॉट द मैंडेटरी थिंग, ठीक है। उसके बाद फेस्ट भी अच्छा खासा ही हो जाता है सभी मेडिकल कॉलेजेस में एंड अगर आप लोग सिर्फ एम्स में जाना चाहते हो तो वहां पर बहुत तगड़ा फेस्ट होता है एंड ऑब्वियसली फेस्ट एक अच्छा खासा मामला है, लेकिन फेस्ट देखकर कोई मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट मत करना, ये चीज आपको मानना होगा। इसके बाद लाइब्रेरी का ऑब्वियसली बताना चाहता हूँ, सभी कॉलेजेस में अच्छा खासा ही लाइब्रेरी है एंड गवर्नमेंट अच्छा खासा ही बुक्स प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरीज में, तो ऑब्वियसली लाइब्रेरी अच्छा खासा है एंड इसको लेकर उतना सोचना मत कि यहाँ पर लाइब्रेरी में ये है वो है, सभी लाइब्रेरीज में लगभग AC होता है एंड लाइब्रेरी लगभग
11 to 12 आवर्स खुला रहता है, ठीक है। इसके बाद ओल्ड वर्सेस न्यू मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ न्यू मेडिकल कॉलेजेस का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग जल्द से जल्द चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, आई थिंक आपका जो क्वेरीज एंड डाउट्स था अबाउट ऑल इंडिया कोटा चॉइस फिलिंग वो मैं सॉल्व कर पाया। एंड यहाँ पर AFMC से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपका और कोई मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज से इतना ही, नेक्स्ट आऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। थैंक यू।